क्या आप ये जानते हो हमारे इंडिया में एक हॉकी प्लेयर थे जिनका नाम था ध्यानचंद, उनको जर्मन सिटीजनशिप ऑफर किया गया था। क्या आपको ये पता है कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्या आप ये जानते हो कि हमारे इंडिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सिर्फ अपनी 50% सैलरी लेते थे? सो हेलो गाइस, ये है नॉलेज की दुनिया और आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले यार इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है विद 155,000 पोस्ट ऑफिसेज, जिनमें से हर एक पोस्ट ऑफिस 7,175 लोग को सर्विस प्रोवाइड करता है। फैक्ट नंबर टू, 2011 में वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी कुंभ मेला के दौरान। ये जो गैदरिंग थी इसमें 75 मिलियन लोग शामिल थे। ये गैदरिंग इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि ये स्पेस से विजिबल थी, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, पांडा वाली सीलिंग नाम का एक ब्रिज है। इस ब्रिज में ये जो आप स्टील वायर्स देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि ये कितनी लंबी होगी? अगर हम लोग इसको उतार के मतलब एकदम रोड पे बिछा दे सीधी सीधी, तो ये इतनी ज्यादा लंबी है कि ये पूरे अर्थ के सरकमफेरेंस को कवर कर देगी। अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है दुनिया का जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्रिकेट ग्राउंड है वो है चेल क्रिकेट ग्राउंड, जो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 2,444 मीटर। फैक्ट नंबर फाइव, ये शैम्पू जो हम अपने बालों में करते हैं, ये जो कंसेप्ट है ये इंडिया का है और ये इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था। शैम्पू जो है वो एक्चुअली में इंडिया में इन्वेंट हुआ था, बल्कि किसी केमिकल लिक्विड की मदद से इसको इन्वेंट नहीं किया गया था, बल्कि डिफरेंट हर्ब्स की मदद से इसको इन्वेंट किया गया था। शैम्पू जो वर्ड है वो भी संस्कृत वर्ड चाम्पू से ड्राइव्ड है। फैक्ट नंबर सिक्स, अब इस फैक्ट को सुनो। एक बार क्या हुआ था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन नाम से भी जानते हैं, वो 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड में विजिट किए थे। लेकिन जिस दिन ये विजिट किए थे, मतलब 26 मई को, उस दिन को स्विट्जरलैंड ने इस डे को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया था। मतलब उस दिन आज भी 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि विजिट किए थे उस दिन। अमेजिंग। फैक्ट नंबर सेवन, हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सिर्फ अपनी 50% सैलरी लेते थे। मतलब जो उस वक्त प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती थी वो सिर्फ उसकी 50% ही लेते थे। और जब उनसे पूछा गया कि आप 50% ही सैलरी क्यों लेते, तो जो उन्होंने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। मतलब भाई इतनी ऑनेस्टी, वाओ। फैक्ट नंबर एट, आपको ये तो पता होगा कि कोई भी अगर रॉकेट या मिसाइल डेवलप होती है, बनाई जाती है किसी भी कंट्री में, तो उसको लॉन्चिंग स्टेशन पे जाके टेस्ट किया जाता है। तो इंडिया को जो पहला रॉकेट जो बना था वो इतना ज़्यादा लाइट वेट और स्मॉल था कि उसको साइकिल से उसके लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाया गया था, थोम्बा लॉन्चिंग स्टेशन जो केरला में। फैक्ट नंबर नाइन, आपने स्पा सेंटर के बारे में तो सुना ही होगा। एक स्पा सेंटर मौजूद है केरला में, लेकिन ये स्पा सेंटर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंसानों के लिए स्पा सेंटर नहीं है, ये स्पा सेंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट्स के लिए। मतलब यहाँ पे एलिफेंट्स आते हैं, इनको बाथ, मसाज और फूड दिया जाता है। अनबिलीवेबल। और इस स्पा सेंटर का जो नाम है वो ये है। फैक्ट नंबर टेन, आप लोगों ने शकुंतला देवी के बारे में तो सुना होगा। तो एक बार क्या हुआ कि शकुंतला देवी से एक क्वेश्चन पूछा गया, एक मैथ्स क्वेश्चन, जिसमें 2 13 डिजिट नंबर्स थे, उनको मल्टीप्लाई करना था। ये रैंडमली 13 डिजिट नंबर थे और वो जो 13 डिजिट नंबर थे वो ये थे, और इसका आंसर उन्होंने सिर्फ 28 सेकेंड में सॉल्व करके दे दिया, जिसके बाद इनको द ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल मिला। फैक्ट नंबर 11, आप लोग को ये तो पता ही होगा कि जो इंडिया का नेशनल एंथम है उसको रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लेकिन क्या आप लोग को ये पता है कि जो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और उस नेशनल एंथम का नाम है अमर सोनर बंगाला। फैक्ट नंबर 12, 1936 में जर्मनी और इंडिया के बीच एक ओलंपिक हॉकी मैच चल रहा था, जिसमें इंडिया ने जर्मनी को 8-1 से बहुत बुरी तरह हरा दिया था। तो जो ध्यानचंद जो थे वो बहुत ही बढ़िया हॉकी प्लेयर थे और उनका कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था, जिसकी वजह से हिटलर ने उनको एक ऑफर दिया। वो ऑफर ये था कि अगर तुम हमारी सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेते, मतलब जर्मनी की सिटीजनशिप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं,
तो उनको मिलिट्री में एक हाई पोस्ट पे रखा जाएगा और नेशनल टीम जो जर्मनी की हॉकी टीम थी नेशनल टीम उससे उनको खेलने का मौका भी मिलेगा, लेकिन द लेजेंड ध्यानचंद ने उनको मना कर दिया। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको ये पता है जो शुगर आप जो खाते हो इसकी जो रिफाइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक है वो इंडिया ने ही डेवलप किया था और इंडिया ही है वो कंट्री जिसने शुगर को सबसे पहले कंज्यूम किया था। फैक्ट नंबर 14, आपको ये तो पता ही होगा कि एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा पहले इंडिया के एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में ट्रैवल किए थे, लेकिन आप लोगों को क्या ये पता है कि जब वो स्पेस से वापस आए तो जो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उन्होंने राकेश शर्मा जी से पूछा कि आपको स्पेस से इंडिया कैसा लगा देखने में, तो उन्होंने जो इस पे जो रिस्पांस में जो आंसर दिया वो आप सुन के शॉक हो जाओगे। उन्होंने जो उसके रिस्पांस में वर्ड्स कहे वो ये थे, सारे जहां से अच्छा। लास्ट फैक्ट से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दो जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फैक्ट नंबर 15, आप लोग स्नेक एंड लैडर्स गेम के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ, वही सांप सीढ़ी गेम जो हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे। ये जो गेम है आप लोग को क्या ये पता है ये गेम हमारे इंडिया से आया है और इसका ओरिजिन हमारा इंडिया है, और यही नहीं इसका पहले जो नाम था वो था मोक्ष पतामू।